नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अगस्त की 20 तारीख है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी में भी खूब फूल खिलते हैं। मिट्टी हो ना हो और कोई प्लांटर हो आपके पास ना हो, अगर छोटी सी बोतल हो, छोटा सा कोई ग्लास ले लो, तो उसमें भी इसकी कटिंग अगर आप लगा के डाल दो। मैक्सिकन पिटूनिया भी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ग्रो करना सिखाया था, तो मैंने कहीं ट्रांसप्लांट किया नहीं है और ना मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इसके प्लांट्स हैं। तो बस वो छोटी सी इतनी सी बोतल में ही पड़े पड़े जो हैं इसके ढेर सारे फ्लावर्स जो हैं आ रहे हैं और सीड भी बन रहे हैं। तो मेरे भाई बहन जो जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं है, मिट्टी का कोई झंझट नहीं करना चाहते, तो वो इन्हें पानी में भी उगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। तो बोतल का साइज़ तो देखिए, ये बोतल है इतनी सी, छोटी सी बोतल, ये कटी हुई बस इतनी सी, ये देख रहे हैं इतना पानी है, ये इतनी बोतल है ये, और ये छोटा सा हिस्सा काटा हुआ और ये पानी है, और इसकी रूट्स भी जो ये दिख रही हैं। मैंने तो पानी भी नहीं इतने दिनों से चेंज किया है इसका, बारिश का जो पड़ता है। तो ये मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये कैसे रूट्स बन रही हैं, कैसे इसका सीड बन रहा है, पूरा गुच्छा हो गया है ये, एक दूसरे से चिपक गया जड़े वगैरह इसकी। ये देखिए ये जड़ों का गुच्छा बन गया है पूरा ऐसे, इस तरह से। तो ये पड़ी पड़ी इतनी जड़ें इतनी जल्दी फैल गई है। ये निकालती हूँ मैं, इस पे तो नहीं आया फूल, और इस पे आया है ये पूरी एक दूसरे के साथ चिपक गई हुई है। ये देखिए ऐसे फूल, कितने अच्छे प्यारे फूल आ रहे हैं और रूट्स बनती जा रही हैं। ये लगाना चाहते हैं तो लगा दें, और नहीं तो अपने ये किसी भी छोटी सी बोतल में ये इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये ढेरों फूल इस पे ये आएंगे, ये सारी रूट्स इकट्ठी हो गई हैं, ये जमा हो गई हैं, ये अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने कटिंग इसी में लगाई थी, ये छोटी सी बोतल, ना पानी चेंज किया, पानी भी देख रहे मटमैला हो गया। तो इस तरह से आप अपने जो गार्डन में, घर में कहीं भी लगा के इसे धूप में रख दीजिए और पानी डाल दीजिए। तो ये देखिए ढेरों फूल आपके, ये इतना पूरा बुक्के लग रहा है, तो बहुत ही सुंदर, कुछ दिनों से ये खिलते जा रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहती थी कि फूल आते हैं कि नहीं आते, और सीड भी, और तो सीड भी तैयार हो रहा है इसका, ये खूब सारा जहाँ जहाँ फूल ये ख़त्म हो रहे हैं, ये देखिए ये सीड ये तैयार हो रहा है, ये तैयार हो रहा है, और ये फ्लावर बर्ड्स ढेर सारे आए हुए हैं, ये सब खिलेंगे। तो मेरा ख्याल है ये छोटा सा मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन ये लगाना चाहते हैं तो ये ज़रूर ग्रो करिए, इसे ईज़िली ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और रूट्स ये अलग करना चाहते हैं तो ये अलग भी ऐसे कर सकते हैं इसी में स्टेम, और इसी में ये देखिए फूल ऐसे आ रहे हैं। तो ये मैंने इसे अलग अलग करके, ये देखिए कितने ऊपर तक से ये रूट्स लंबी लंबी आ रही हैं, ये देखा। तो ये है ना कमाल का। तो ये आप अपने छोटी सी बोतल में ही ग्रो कर दीजिए ढेरों फूल इसमें, फिर पाइए कहीं भी रख सकते हैं आप, ज़रूरत होगी तो रख लीजिए, और नहीं तो फिर आप इन्हें फेंक भी सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है कोई पड़ोस में अगर किसी को ज़रूरत है तो उन्हें भी इसके प्लांट्स दे सकते हैं। और साथ के साथ ही फूल आ गए ढेर सारे, और फ्लावर वर्ड्स जो ढेर ये देख लगी हुई हैं, ये सब खिलनी है, ये बन रही हैं, और कोई खुराक नहीं दी मैंने एक्स्ट्रा, बस वही जो पानी नल का पानी डाला था और बरसात का ऊपर से पड़ गया है इसमें, ना चेंज किया पानी। तो वो वीडियो देख लें मेरा, कटिंग वाला मैंने किस दिन लगाया था, तो कई दिनों से ये खिल ही रहे हैं, और जब मैंने रिज़ल्ट दिखाए थे तब भी मेरे ख्याल से उससे भी एक दिन पहले ये खिल ही रहे थे। तो करती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तभी हमें इस चीज़ का पता चलता है। तो अब इस बारी मैंने ये पानी में खिला के देखे हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं बोतल के छोटे छोटे इस तरह से कटिंग करके ये खूब सारी कटिंग पहले ही लगा दूंगी, और हर जगह में रखे हुए गर्मियों में, फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं, ना खुराक की ज़रूरत होती है, बस पानी डाल दो इनको। मेरे कई भाई बहनों ने इस प्लांट का नाम पूछा है, तो इसका नाम है कोरल फाउंटेन ग्रास, और ये मैं पहले भी इस पर कई सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ। बीच में ये फूल भी गुलाब का छोटा सा खिल रहा है, तो आप इसे अभी कटिंग से लगा सकते हैं और अगले साल ही इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मैं कोरियोप्सिस मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, जो मैंने पौध तैयार की थी, तो ये पता नहीं इस बार इतनी जल्दी ये आए हैं, पता नहीं मैं डेट नोट कर रही थी, तो काफ़ी दिनों से ये खिल रहे हैं,
तो ये जिसमें मैंने पौध तैयार की थी वहीं से खिलना स्टार्ट हो गए थे, तो 1.5 महीने में सीड लगाने के तैयार हो गए। तो विंटर में जब लास्ट टाइम मैंने लगाए थे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। तो ये देखा मैंने कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो ये सब कोरियोप्सिस लगा दीजिए और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये।